हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है सेंसिवेरिया, और इसे मदर इन लॉज टंग भी बोलते हैं, एंड स्नेक प्लांट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट है, जैसे आप सबको पता ही होगा, सबके घर में स्नेक प्लांट होगा ही। और ये इंडोर और आउटडोर आप दोनों जगह ही रख सकते हो इसे। ये बेस्ट इंडोर प्लांट है, ये एयर को प्यूरीफाई करता है, तो सबको ही अपने घर में लगाना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके जैसे नाम है मदर इन लॉज टंग सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, काफ़ी कुछ बोला जाता है इसे। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है इसे। और सबसे पहले हम इसकी सनलाइट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सनलाइट इसे कभी नहीं देना, तो इसे शेडी एरिया में रखना जब भी रखना। तो ये यू कैन सी इसमें से कितने पॉप्स निकल के कितने ही और प्लांट्स बन गए हैं। ये मदर प्लांट्स में से निकाल के मैंने ये वाला प्लांट लगाया, ये वाला प्लांट लगाया, और देखिए इसमें से एक पप भी निकल रहा है। इवन ये बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, तो यू कैन सी इसमें से पप निकल रहा है। और कुछ प्लांट्स मैंने ये इंडोर रखने के लिए लगाए हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे पास सेंसिवेरिया की 4 वराइटीज़ है। ये वन आपने ये वाली देखी, और सेकंड दिस वन, और 2 ये छोटे वाली वैरायटीज है। तो अभी बात करेंगे इनकी प्रोपगेशन की। तो इसे आप कोई सिंपल सा मेथड है, या तो आप पप्स निकाल के, जैसे ये इसका पप निकला है, तो इसको हम लोग निकाल के अलग से लगा देंगे, तो वो बड़े ईजली ग्रो करेगा। और सेकेंड मेथड है लीव्स प्रोपगेशन। तो आप एक कोई भी लीफ लेके इसकी, जैसे मैंने यहाँ से ये कट की है क्योंकि मैंने प्रोपगेट किए थे, या फिर आप नीचे से भी एक लीफ बिल्कुल नीचे से ले लीजिए, और लीफ को छोटी छोटी कटिंग लेके उसको वाटर में प्रोपगेट कर सकते हो, या फिर सीधे डायरेक्ट पॉट में ही लगा दो, तब भी वो ग्रो कर जाएगी। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने भी प्रोपगेट की है, तो यू कैन सी इसमें से एक पप भी निकल रहा है छोटा सा। तो ये बड़े आराम से ग्रो कर गया कटिंग करके इसको। आई थिंक सो 2 मंथ हो चुके हैं लगाए हुए, प्रोपगेशन के लिए किए हुए। तो ये पप निकल रहा है, अभी इसमें से प्लांट आ जाएगा। ये मैंने वाटर में लगाया हुआ है। तो एक है कि अगर आप ये वाला प्लांट जो ये इसकी येलो वाली लीव्स साइड पे इसके जो वेरिएशन है, अगर आप लीव से इसको कटिंग करके लगाते हैं, तो उसमें ये वेरिएशन नहीं आएगी, उसमें ये वाला सिंपल प्लांट आएगा, ये वाला। लीव से प्रोपगेट करने पे कभी भी ये नहीं आता सेम। हाँ, अगर आप पप निकाल दिए यहाँ पे, और ये ऐसे मैंने लगाए हैं, तो फिर आपको सेम कलर मिलेगा। और सेम इनके साथ है, अगर इनके साइड पे छोटा पप, जैसे मैंने ये निकला हुआ था, इसको अलग से लगा दिए, बड़े छोटे से पॉट में बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आप ऐसे लगा सकते हो इनको। और अभी बात करेंगे इसकी सोयल की। फ्रेंड्स, तो सोयल इसमें आप 50% इसमें सैंड ले लीजिए, और 30% सोयल गार्डन सोयल और कंपोस्ट, बस इनका मिक्सचर आप लगाइए, तो बड़े अच्छे से आपके प्लांट है जो ग्रो करेंगे। फर्टिलाइज़र इनमें मैं तो होम फर्टिलाइज़र बनाना पील्स और अनियन पील्स की, जो घर पे होममेड फर्टिलाइज़र ही यूज़ कर रही हूँ अभी तक, इसमें तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये, काफ़ी स्लो ग्रो करते हैं ये। इनका जो गर्मी का ये सीज़न है, इसी में ये ग्रो करेंगे, और विंटर में तो इनकी
जो ग्रोथ है काफ़ी कम हो जाती है। विंटर में इनको ठंड से भी बचा के रखना पड़ता है, इनको थोड़े कवर एरिया में रखिए, ओपन में नहीं रखना, नहीं तो इनकी लीव्स ख़राब हो जाती हैं। तो वाटर की बात करें तो वाटर इनमें फ्रेंड्स जब बिल्कुल सोयल आप देखिए कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है तो ही पानी डालना, बिकॉज ये सक्यूलेंट की एक वैरायटी है, सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको जो वाटर है बिल्कुल जब ड्राई हो जाए, इवन ड्राई होने के भी आप थोड़े दिन बाद ही पानी डालोगे तो भी ये अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि नहीं तो इनकी रूट जो है रोट हो जाएगी। तो इनमें जो जो इनकी सोयल है वो वही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जैसे ही आप पानी डालो तो नीचे से सारा निकल जाए तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इंडोर बेस्ट प्लांट है जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो आपको ये अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।